यह है 2022 की ऑल न्यू टीवीएस अपाचे 162 वी BS6 2022 मॉडल। 2022 की ऑल न्यू BS6 मॉडल आज हमारे पास अवेलेबल है। आज आपको हम इस वीडियो में टॉप ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसके लिए आप 2022 में इस बाइक के साथ मूव कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर आप लोग हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे इस ओवरऑल गाड़ी के बारे में, तो ओवरऑल इस गाड़ी के लुक देख सकते हैं, एक बहुत ही शानदार लुक और पर्सनली जो कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें मैट का ओवरऑल फिनिशिंग देखने मिल जाती है, बहुत ही शानदार लगता है ये कलर कॉम्बिनेशन। आप किसी भी एंगल से इस गाड़ी को देखेंगे तो ओवरऑल आपको लुक वाइज कहीं से भी कोई शिकायत महसूस नहीं होने वाली है, जो कि कहीं तक ये बहुत ही शानदार बात है। एक गाड़ी 160 सीसी हिसाब से एक बेहतरीन लुक आपको ऑफर करती है, तो अगर आपको एक लुक वाली बाइक जिसमें आपको बेहतरीन लुक मिल जाए तो बिल्कुल आप इस गाड़ी से जरूर मूव करेगा। कि ओवरऑल आपको इस गाड़ी में लुक एंड फिनिश जो ओवरऑल देखने को मिल जाती है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाती है। एक बहुत ही शानदार बाइक है अगर अपने सेगमेंट की आप बाइक ढूंढ रहे हैं। अगर आपको एक 160 सीसी की एक शानदार लुक वाली बाइक चाहिए तो बिल्कुल आप इस गाड़ी को जरूर चेकआउट करिएगा। ओवरऑल इस गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग। प्राइसिंग इस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है, 1,35,000 लेके 1,40,000 के बीच में इसकी दोनों ही वेरियंट आपको ऑन रोड कॉस्टिंग करती है। जहाँ की इस सेगमेंट की दूसरी बाइक देखेंगे वो इससे हाई प्राइस चली जाती हैं। आप चाहे NS160 को ले लें, चाहे आप इसकी 4B मॉडल को ले लें, चाहे आप और किसी सेगमेंट की बाइक को देख लें, बस इसकी एक्सट्रीम जो है वो इसके बराबर आती है। होंडा की यूनिकॉर्न जो है इससे कम में आती है, बाकी लगभग सारी बाइक इससे महंगी रहती है 160 सेगमेंट की। ये ओवरऑल प्राइसिंग इस गाड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट रहता है। अगर आपको कम प्राइस में एक 160 सीसी का फील चाहिए तो जरूर आप इस गाड़ी से मूव करिएगा। ओवरऑल इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो कंपनी ने बहुत शानदार सेट की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, अपने थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं जिसके लिए आप 2022 में इस बाइक के साथ मूव कर सकते हैं, इस गाड़ी की ब्रेकिंग। ओवरऑल आपको इस गाड़ी में बहुत सही ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है, डुअल डिस्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जहाँ की फ्रंट में आपको 260 mm की सिंगल चैलेंजर बेस वाली डिस्क और बैक में आपको 240 mm के आसपास की डिस्क देखने को मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं आपको ब्रेकिंग वाइज बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो आपको डुअल डिस्क ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब आगे भी आपको डिस्क ब्रेकिंग मिलेगा, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलेगा, लेकिन जो ABS है आपको बस वो फ्रंट ही ब्रेक में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी की ब्रेकिंग है वो बहुत ही शानदार निकल के आती है, तो कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी इस गाड़ी की ब्रेकिंग वाइज बिल्कुल महसूस नहीं होगी। एक शानदार ओवरऑल गाड़ी आपको ब्रेकिंग ऑफर करती है अपने सेगमेंट के हिसाब से, तो ब्रेकिंग वाइज भी आप लोग बिल्कुल इस गाड़ी को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एक शानदार आपको ओवरऑल इस गाड़ी में ब्रेकिंग मिल जाती है। अगर आप 160 सीसी आपसे ब्रेकिंग देखेंगे तो बहुत ही शानदार इस गाड़ी की ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग वाइज कंपनी ने कोई सी आपको कॉम्प्रोमाइज महसूस बिल्कुल नहीं होने दिया। उसके बाद इस गाड़ी की सस्पेंशन, अगर आप बैक में देखेंगे डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं विथ नाइट टॉक्स। जो आपको इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है ये आपका 5 स्टेप तक एडजस्टेबल है, लेकिन जो आपको कंपनी ने साइड में एक छोटा सा नाइट टॉक्स लगाया है जो आप देख सकते हैं छोटा सा ये लगा हुआ है, ये आपके कंफर्टेबल राइड में इंक्रीज करने बहुत मदद करता है। आपको जो कंफर्टेबल राइड इस गाड़ी से देखने को मिलेगी वो कई हद तक बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। ये ओवरऑल एक बहुत ही शानदार बात इस गाड़ी के लिए रहती है। ओवरऑल जो आपको इसमें कंफर्टेबल राइड देखने को मिल जाती है वो बहुत ही बेहतरीन इस गाड़ी से निकल के आती है, तो एक शानदार कंफर्टेबल राइड निकाल के देने में गाड़ी बहुत ही सक्सेसफुल है और इसलिए आपको बहुत ही शानदार कंफर्टेबल राइड ये गाड़ी निकाल के दे सकती है, जो कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात इस गाड़ी के लिए रहती है। ओवरऑल आपको इस गाड़ी से जो कंफर्टेबल राइड देखने को मिल जाता है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है एक शानदार कंफर्टेबल राइड जिसमें आप 3 लोग सीट पर बैठ सके, 3 लोग अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है आप उसको भी चाहे बाइक पर बैठा सके इजीली, तो ये बाइक आपके लिए ज़्यादा उस हिसाब से बेटर रहने वाली है। तो जो दूसरी बाइक आती है वो स्प्लिट सीट आती है, मतलब जो उनका 20 सीट है वो अलग रहता है, लेकिन वहीं पर अगर देखेंगे इसमें थोड़ा कर्व तो दिया हुआ है लेकिन जो सीट है ओवरऑल जॉइंट है, तो 3 लोग को भी बैठा के इस गाड़ी को इजीली ड्राइव कर सकते हैं, इजीली चला सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी से जाता है। ओवरऑल इस गाड़ी में जो आपको देखने को मिल जाता है कंफर्टेबल लाइट एक शानदार बात रहती है, क्योंकि फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है उसका भी बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स निकल के आता है। किक आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है, मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आपको गाड़ी में बस सेल्फ का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर इनकेस कभी बैटरी में दिक्कत परेशानी आती है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली है, तो आपको बस यहाँ पे सेल्फ का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, किक देखने को नहीं मिलता है। बाकी फ्रंट का जो सस्पेंशन हमने बताया वो बहुत ही बेहतरीन है, तो कोई आपको ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फ्रंट के सस्पेंशन में आपको गोल्ड कलर की कलरिंग भी देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो और बेहतर निकल के आ रही है। बाकी फ्रंट से इसका डिस्क ब्रेकिंग देख सकते हैं बहुत शानदार है, लगभग 270 mm के आसपास की डिस्क ब्रेकिंग है, तो अच्छी ब्रेकिंग आपको बिल्कुल यहाँ मिल जाती है। उसके बाद और इस गाड़ी के बारे में कुछ बात कर लेंगे, तो इस गाड़ी का ओवरऑल पिकअप रिस्पॉन्स इस गाड़ी का इंजन, आपको 159 cc का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इस गाड़ी का जो पावर फिगर्स है ठीक ठाक है, बेस्ट इस सेगमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन जो ओवरऑल गाड़ी का पिकअप रिस्पॉन्स है, जो इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट है वो भी बहुत शानदार है इसके सेगमेंट के हिसाब से। एक शानदार एग्जॉस्ट नोट ये गाड़ी निकाल दी देती है, एक शानदार इंजन आपको देखने को मिल जाता है। और आपको पता है जो अपाचे का नाम बना हुआ है आज के डेट में इंडियन मार्केट में वो इसी गाड़ी की वजह से बना हुआ, जो इनकी 2B मॉडल है ये बहुत पहले से लगभग 10-12 साल से बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल है और अच्छा खासा लगभग इन्होंने पिछले 4 से 5 साल में अपने मार्केट कवर कर लिया है। इन्होंने पल्सर को पीछे कर दिया अपने सेगमेंट में 160 सीसी आपसे, 160 सीसी की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक बन चुकी है आप सभी अपाचे।
तो बिल्कुल ये हमारा पांचवा पॉइंट रहने वाला इस गाड़ी का ओवरऑल इंजन देखने को मिल जाता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन इस गाड़ी के लिए बात रहती है। बाकी अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है एक शानदार बाइक लेने का 160 सीसी सेगमेंट के आपसे, तो बिल्कुल आप इस गाड़ी को जरूर चेकआउट करिएगा। इसकी फ्रंट की आप ये पाइपिंग जैसे जो हमको बताया गोल्ड कलर की कलरिंग देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स वो बहुत शानदार आता है। फ्रंट में आपको LED RL कंपनी ऑफर करती है, हैलोजनी सेटअप देखने को मिलता है। अभी तक कंपनी ने आपको यहाँ पर LED प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन रिस्पॉन्स वाइज कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, एक शानदार ओवरऑल रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। तो ये है फ्रेंड्स एक डिटेल वीडियो आप सभी की ऑल न्यू TVS Apache 162B BS6 2022 मॉडल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक को स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप सभी की ऑल न्यू TVS Apache से रिलेटेड या किसी भी दूसरी बाइक से रिलेटेड, कोई भी आप 160 सीसी बाइक लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी तो ओवरऑल आप इस गाड़ी का रिस्पॉन्स देख सकते हैं, एक शानदार माइलेज की अगर हम बात करें, माइलेज आपको मैं बता भूल गया, तो लगभग 45 के आसपास का माइलेज हमें मिल जाएगा। 42 के आसपास आपको गाड़ी इजीली माइलेज निकाल के दे सकती है, ये कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात इस गाड़ी के लिए रहती है।